In Moradabad of Uttar Pradesh, BJP city president Shivendra Gupta created ruckus and allegedly assaulted a sub-inspector at Thakurwada police station. The BJP leader allegedly lost his cool when the sub-inspector said it's going to take some time to take action on a complaint filed by him. Shivendra Gupta and his supporters later staged a protest in front of the police station. They also demanded that the sub-inspector be suspended. Shivendra Gupta, वो थाने पर आए एसएसआई साहब के साथ में बैठा था उन्होंने एक तहरीर दी एसएसआई साहब ने मुझे जांच के लिए दी तो वो कहने लगे कि मैंने उन्हें बताया कि साहब ठीक है मैं जांच करता हूँ और मैं इसका सीडीआर निकलवाता हूँ जो आप बता रहे हैं जिसमें धमकी दी तो कहने लगे आप जानते हो कि हम बीजेपी के आदमी हैं तो क्या हम इंतजार करेंगे आप मैंने कहा साहब थोड़ा बहुत टाइम तो दीजिए हर चीज़ में समय तो लगते ही कहने लगे नहीं आप इस नंबर के अभी क्या नाम वो करिए इसका ये करिए अभी रिपोर्ट बनाइए ऐसा करिए ऐसा करिए तो इतने में अपने आप ही गर्म होने लगे गर्म होते होते गाली गलौज करने लगे कितने लोग थे कि किस चीज़ से आपको ये हमला किया है शिवेंद्र गुप्ता जी थे और उनके साथ तीन चार आदमी और थे तो इतने में बीच बचाओ इतने में एसएसआई साहब श्रीपाल दरोगा जी संजीव कुमार दरोगा जी और स्टाफ जो था तो सभी लोगों ने बीच बचाओ करा मतलब हटा दिया उनको तो इतने में उन्होंने फोन वोन करके अजय ठाकुर है एक बीजेपी के उनको बुलाया और आते ही बिना एकदम वो करते ही आते ही मेरे साथ पता नहीं वो क्या लिए थे क्या नहीं थे वीडियो में देखूंगा आते ही मेरे ऊपर जान से मारने के लिए एकदम हमला कर दिया तो मैंने अपना हाथ हटाया तो वो मेरे हाथ को जोड़ेगा और धागा प्याज कट गया तो काफ़ी लोग थे उसके बाद में उन्होंने मारपीट करी वर्दी फाड़ी मेरे कागज़ थे सरकारी जो मेज पर रखे थे वो भी नहीं मुझे पता कहाँ गए कहाँ नहीं गए एक सज्जन आए थे थाने पे अपने शिकायती प्रार्थना पत्र को लेकर जिसमें उसको जांच के लिए एक सब इंस्पेक्टर को दिया गया पूछताछ के दौरान जैसा कि बताया जा रहा है कि इनमें कुछ कहा सुनी हुई और शायद मारपीट की भी चीज़ें सामने आई हैं उस समय मेडिकल कराया जा रहा है और जो भी विधिक कार्रवाई है वो कराई जाएगी।